तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से आपको दे रहे हैं, जहां पर मंडी गोविंदगढ़ में लूट की घटना हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, सरहिंद निवासी युवक से 12 लाख रुपए छीने गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको पंजाब से, युवक को छीना छपटी के दौरान गोली भी मारी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, गंभीर हालत में युवक को पटियाला रेफर कर दिया गया है। सरहिंद का युवक था जिसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसको इस समय जब उसने इस पूरी घटना का विरोध किया तो उसको गोली भी मारी गई। बहरहाल उसे पटियाला के लिए रेफर कर दिया गया है। सरहिंद निवासी युवक था जिससे लगभग 12 लाख रुपए लूटने की कोशिश की गई, छीना झपटी के दौरान उसको गोली भी मारी गई है, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को पटियाला रेफर कर दिया गया है और पटियाला में उसका इलाज चल रहा है। पंजाब से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ में लूट की घटना को अंजाम दिया गया, सरहिंद निवासी युवक से छीने गए हैं 12 लाख रुपए, और जब इसका विरोध किया गया युवक द्वारा तो उसको गोली मार दी गई। छीना झपटी के दौरान ये गोली लगी और इस दौरान युवक को अब पटियाला रेफर कर दिया गया है। गंभीर हालत युवक की बताई जा रही है, पटियाला रेफर कर दिया गया है। पटियाला के अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। मंडी गोविंदगढ़ की यह घटना है जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।